हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइन आर्ट क्लास। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए मॉडर्न पेंटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वल्चर पेंटिंग। ठीक है, तो जो पेंटिंग है ये द वल्चर, ये एक मॉडर्न पेंटिंग है जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी मैसेजफुल ये एक पेंटिंग है जिसमें कि डोरी सिस्टम को दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सो एज़ यू कैन सी, ये एक मॉडर्न पेंटिंग है द वल्चर, जहाँ पे वल्चर को देखिए एक बहुत ही ग्रीडी दिखाया गया है। क्या है कि जो समाज के जो लोग होते हैं वो औरत को क्या सोचते हैं, वो केवल औरत को एक पैसा पाने का जरिया सोचते हैं, यानी कि जो डोरी सिस्टम होता है उसको बेस करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। कि जैसे देखिए उसके गले में एक फंदा उसने लटकाया हुआ है, क्योंकि वो इतनी अपनी लाइफ से तंग आ चुकी थी, तो उसने क्या है, उसने मौत को मतलब सही समझा अपने लिए, और उसने क्या एक फंदा अपने गले में लटकाया हुआ है। और नीचे देखिए उसके यहाँ पे फायर दिखाई गई है। तो ये जो ग्रीडी यहाँ पे एक वल्चर दिखाया गया है, जैसे कि एक औरत के जो ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं वो कितने ग्रीडी मतलब होते हैं। अब थोड़ा सा मॉडर्न टाइम हो चुका है शायद, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो शायद पहली परंपरा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इसको जो एक इतना ग्रीडी दिखाया गया है कि वो अगर औरत मर भी जाए तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल मरने के स्टेज पे यहाँ पे आ गई है। क्योंकि ऊपर से भी उसने फंदा लगाया हुआ है और नीचे से भी उसने क्या है उसके यहाँ पे जो फायर है नीचे भी, और वो शायद इसमें जल जाएगी। तो उसके जलने से पहले ये जो ग्रीडी यहाँ पे वल्चर दिखाया गया है वो ये सोच रहा है कि इसके गले से जो है ये नेकलेस भी ले लो, नहीं तो ये भी जलकर राख हो जाएगा। तो उनको क्या मतलब है, उनका केवल यही मतलब है कि उनको पैसे से, जेवर से, यानी कि जो भी इसके ऑर्नामेंट्स हैं उन सब से इसको इनको प्यार है। इनको किसी के इंसान के जीवन से बिल्कुल प्यार नहीं है, खासकर जो औरतें होती हैं उनको चाहे मर भी जाएं, बस वो उनकी नज़रों में क्या है, उन जो ससुराल वाले जो लोग होते हैं, जो उनकी नज़रों में क्या है, केवल वो पैसा पाने का एक जरिया होती है और उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है उनकी नज़रों में। तो इस पेंटिंग में यही सब दिखाया गया है, जो कि देखिए एक वल्चर के रूप में यहाँ पे कैसे एक जो यहाँ पे लेडी दिखाई गई है, कैसे वो इसके गले से नेकलेस को मतलब खींचता हुआ दिखाया गया है। और इसके जो वल्चर के मतलब बिल्कुल बराबर में एक यहाँ पे बास्केट रखी हुई है, तो वो वल्चर सारे ऑर्नामेंट्स वहाँ से उतार उतार के इस बास्केट को उसने ऑर्नामेंट से भर लिया है। तो उसका मतलब यही दिखाया गया है कि उसे किसी से कुछ मतलब नहीं है, उसे किसी की लाइफ से, किसी की मतलब किसी की खुशियों से किसी कुछ मतलब नहीं है। उसको बस यही है कि उसको उसके पास पैसा आ जाए, उसके पास मतलब सारे ऑर्नामेंट्स जो भी हैं, हीरे जोरत जो भी हैं, वो सब उसके पास हों, भले ही जो औरत की लाइफ है वो कैसी भी हो, वो मर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही डोरी सिस्टम को लेके बेस करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके जो है प्रेजेंटेशन पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, द वल्चर मॉडर्न पेंटिंग, आर्टिस्ट कमलेश दत्त पांडे, पीरियड 1980, मीडियम ऑयल ऑन कैनवास। तो देखिए जैसे कि मॉडर्न पेंटिंग हमारी चल रही है तो मीडियम क्या हो गया, ऑयल ऑन कैनवास। स्कूल मॉडर्न, सब्जेक्ट मैटर दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन सोशल एविल ऑफ डोरी एंड ब्रिज बर्निंग विच इज़ प्रजेंट इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो डोरी सिस्टम है उसको उसी को बेस करके इस पेंटिंग को बनाया गया है, कि जो समाज के जो लोग हैं वो डोरी को लेके मतलब कितने ज़्यादा उनको केवल वही चाहिए होती है, और उसी को बेस करके इस पेंटिंग को यहाँ पे बनाया गया है। द पेंटिंग शोज ए वेरी सैड सीन विद द लाइफलेस लेडी हैंगिंग फ्रॉम ए रोप। तो यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग में क्या दिखाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पेंटिंग में जो दिखाया गया है इसमें बहुत ही सैड सीन दिखाया गया है, जिसमें कि एक लेडी को क्या है एक रोप पे यानी कि फांसी के फंदे पे लटका हुआ दिखाया गया है, क्योंकि वो शायद अपने जीवन से, अपनी लाइफ से वो इतनी निराश हो चुकी है कि उसने क्या है, उसने जीने से अच्छा ये सोचा कि वो मर जाए तो ठीक है, शायद वो दुखी हो गई अपनी लाइफ से, इसीलिए उसने अपनी लाइफ में क्या है उसने जीवन से अच्छा मौत को चुना है। ठीक है, तो यही इस पेंटिंग में बेस्ड है, क्योंकि ये एक डोरी सिस्टम पर बनाई गई पेंटिंग है। और देखिए उसके क्या है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं और उसके पैर भी बंधे हुए हैं यहाँ पे, और नीचे क्या है उसकी जो है वहाँ पे नीचे आग जलती हुई दिखाई गई है, क्योंकि अब वो मरने वाली है, तो उसको क्या है उसने उसके हाथ भी बंधे हुए, वो कुछ नहीं कर सकती है, नीचे से फायर जली हुई है और ऊपर से उसने फंदा लगाया हुआ है, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं।
तो वल्चर जो है, वल्चर केवल और केवल वल्चर को मतलब क्या दिखाया गया, एक जो लालची जो इंसान होते हैं, जो उसकी मतलब औरत के बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि उसके ससुराल वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोग जो डोरी बेस जो डोरी सिस्टम को ज़्यादा मानते हैं, तो उसी को उसी तरह से इसमें जो वल्चर है वो बिल्कुल एकदम इतना ग्रेडी दिखाया गया है कि वो क्या है, वो उसके जो नेकलेस या ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए हैं जो लेडी ने, उनको वो खींचता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है कि उसको कुछ मतलब नहीं है कि कोई जिए या मर जाए, उसको मतलब है केवल उसके पास पैसा हो, जेवरात सब ये सब आ जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया भी गया है कि जो वल्चर है वो इतना ग्रीडी यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये जो लेडी है ये देखिए बिल्कुल मौत की कगार पे खड़ी है, लेकिन इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस वल्चर को, तो ये केवल और केवल ऑर्नामेंट्स खींचने में लगा हुआ है। देखिए नेकलेस को कैसे खींच रहा है, और इसकी जो बराबर में जो बास्केट रखी हुई है इसने वो ऑर्नामेंट्स ही भर ली है, तो अगर ये जो औरत है ये मरने वाली है तो ये मर जाए, इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जल के राख हो जाएगी, बट इसके ऑर्नामेंट्स जो हैं वो जल के राख नहीं होने चाहिए, बस वो उसी को इकट्ठा करने के मतलब सोच रहा है। द वल्चर इज सिटिंग ऑन ए टेबल विच हैज़ ए बॉक्स फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो वल्चर है वो टेबल पे बैठा हुआ है और उसने क्या है बॉक्स रखा हुआ है उसके बराबर में, और उसने क्या है जो वो लेडी है वो मरने वाली है, तो उससे खींच खींच के जितने भी उसने ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो सब वो बॉक्स में भर रहा है, और उसने बॉक्स भर लिया है और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मर जाए या वो जैसी भी उसकी हालत है। तो इस तरह से उसने सारे ऑर्नामेंट्स खींच लिए हैं उसके, और एक जो लास्ट बचा है उसके जो गले में नेकलेस है उसको भी वो पूरी तरह से खींचने की वो कोशिश में यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसा कि पेंटिंग में बेस्ड यही है, सारी पेंटिंग का मतलब यही है कि ग्रीडी सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वल्चर है वो कितना ग्रीडी है और किस तरह से वो वुमेन को मतलब वो परेशान कर रहा है, वो कैसे मतलब वो केवल और केवल जो मतलब के जो डोरी सिस्टम के जो लोग होते हैं, जो डोरी सिस्टम को ज़्यादा मानते हैं, वो केवल और केवल यही चाहते हैं कि औरत कुछ नहीं है, औरत केवल पैसा कमाने का एक जरिया है, मतलब उसका जो घर वाले होते हैं औरत के, केवल मतलब जो उसके मायके वाले होते हैं, केवल वो उनसे क्या चाहते हैं, केवल डोरी मनी पैसा ये सब, बस यही सब चाहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों को मानते हैं, इतनी ही उन्हें नॉलेज है, इससे ज़्यादा उनके बढ़कर नॉलेज नहीं है। तो ऐसा ही इसमें जो है जो लोग होते हैं, जो उसके ससुराल के लोग होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे जो है वल्चर को भी ग्रीडी दिखाया गया है। और इसमें आपने देखा है कि जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं कितने ज़्यादा लालची होते हैं, जो जिनकी रेस्पेक्ट मतलब जो औरतों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें औरतों से केवल क्या चाहिए होता है कि बस वो एक पैसा कमाने का जरिया है, भले ही उनकी लाइफ बचे ना बचे। तो इसी तरह से इसमें क्या दिखाया गया, इसी तरह से इसमें क्या दिखाया गया कि जैसे कि जो औरत दिखाई गई है वो ऊपर से क्या उसने फंदा लगा लिया और नीचे से वहाँ पर आग जल रही है जिससे कि वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी वल्चर को केवल और केवल यही सूझ रहा है कि वो उसके सारे ऑर्नामेंट्स ले ले, कहीं वो जल के राख ना हो जाए, क्योंकि जो औरत है वो तो जल के राख हो जाएगी तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऑर्नामेंट्स को बचा लिया जाए, वो जल के राख नहीं होने चाहिए क्योंकि बस वही उनको काम की चीज़ लगती है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो औरत होती है उसको क्या है यहाँ पे कोई न्याय नहीं मिलता है, जो समाज के जो लोग होते हैं वो दोनों तरफ की जो मतलब अपने आप को नहीं देखते हैं, और वो क्या है औरत को ही इस पूरे जो है मतलब उन्हें बस केवल औरत से क्या चाहिए होता है, उन्हें बस इतना ही पता होता है, और औरत को कहीं भी ना कहीं बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आर्टिस्ट ने इसमें ये शो करने की कोशिश करी है कि कितना अच्छे से बनाया गया है कि जो समाज के जो लोग हैं इस पेंटिंग को बार बार देखें और समझें कि जो मतलब औरत की लाइफ कितनी ज़्यादा कीमती होती है और इस पर हमें विचार करना चाहिए, और बिल्कुल भी इस तरीके से अगर मतलब इस पेंटिंग को देखेंगे तो शायद हमें ये हमारे मन में ये बात आ जाए देखने वालों के कि हाँ जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो इसी चीज़ को लेकर इस पेंटिंग को यहाँ पर मतलब बनाया गया है। अगर इसके कलर स्कीम की बात करें तो डार्क ब्लू ब्लैक कलर बैकग्राउंड शो द डार्क शेड। तो इसमें क्या है जैसे कि ज़्यादातर इसमें कलर जो यूज़ किए गए हैं डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को यहाँ पे यूज़ किया गया है,
क्योंकि जो इसमें जो दिखाई गई है सोसाइटी जो दिखाई गई है डोरी सिस्टम को बेस करके, तो वो इसलिए उसको बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड से यहाँ पे दिखाया गया है। और फोरग्राउंड में जो है थोड़ा सा पिंकिश कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। हालांकि पेंटिंग में भले ही वो इतने क्लियरली ना दिखे, आपको लगे कि नहीं पिंकिश नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया भी था पहले भी कि जो पेंटिंग के जो फोटोग्राफ क्लिक की जाती हैं उसमें क्या है कलर थोड़ा चेंज दिख सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल जो पेंटिंग होती है उसमें कलर बिल्कुल इसी तरह से लगाया जाता है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो इसी मतलब इसी तरह से लगाया गया है। तो उसमें थोड़ा सा पिंकिश टोन दी गई है थोड़ी सी बैकग्राउंड में, तो केवल और केवल इसमें यही दिखाने की कलर कॉम्बिनेशन का भी इतने अच्छे से ध्यान रखा गया है कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आर्टिस्ट ने कलर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से एक मतलब पेंटिंग बहुत ही एक मैसेजफुल पेंटिंग है जो मैसेज देती है जो समाज को, जो समाज के जो लोग होते हैं कि जो लालची लोग होते हैं वो जो औरत की जो मतलब कहानी होती है कैसी होती है। पहले टाइम में ज़्यादातर ऐसा होता था कि डोरी सिस्टम को लेके गया था, काफ़ी सारी औरतें मार दी जाती थी, बट अब टाइम जो है वो थोड़ा बहुत मतलब पहले से बहुत सही चेंज होता जा रहा है। तो हमें बिल्कुल ऐसा समझना चाहिए कि जो औरत और मतलब आदमी में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, और आदमी को क्या है औरतों की इज्जत करनी चाहिए, और जो है औरतें तो करती ही हैं और उन्हें भी करनी चाहिए, तो ठीक है। तो इसलिए कोई किसी से कम नहीं होता है, पेंटिंग को देख के हमें समझ जाना चाहिए कि जो ये इसमें पेंटिंग में मैसेज दे रहा है आर्टिस्ट, तो वो हम तक पहुंच जाना चाहिए। और इसकी इसी तरह से कलर स्कीम भी अच्छे से आर्टिस्ट ने यूज़ की है कलर को, जैसे कि इसका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से इसके वन मास क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहीं से पूछे जाते हैं कि कमलेश दत्त की जो पेंटिंग है उसका क्या नाम है, तो द वल्चर, और द वल्चर जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट कौन है, तो कमलेश दत्त पांडे, और किस पीरियड में बनाई गई है, तो 1980 में बनाई गई है, और मीडियम क्या है, तो ऑयल ऑन कैनवास। बस थोड़ा यही ध्यान रखना है आपको, दो चार पॉइंट हैं ये, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको स्ट्रॉन्ग बना लेना, आपको ध्यान से पढ़ लेना है उसको। और कौन से स्कूल की पेंटिंग है, तो जैसे कि हम मॉडर्न स्कूल पढ़ रहे हैं, तो ये पेंटिंग है द वल्चर की, वो मॉडर्न स्कूल की पेंटिंग है, क्योंकि 1980 की है, तो 1980 का जो टाइम है वो मॉडर्न में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मॉडर्न की पेंटिंग है, मॉडर्न पीरियड की। इसी तरह से ये डोरी सिस्टम को बेस्ड करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। तो इस तरह से इस पेंटिंग का जो है सब्जेक्ट मैटर यानी कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया है।